हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉम क्रूज और निकोल किडमैन स्टारर की कंट्रोवर्शियल और बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी आईज वाइड शट, जिसे आईएमडीबी पर 7.3 की रेटिंग है। और ये मूवी मेरी अब तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवी रही, क्योंकि मूवी का असल मीनिंग इसके ट्रिकी डायलॉग्स और कुछ सीन से ही समझ आता है। मूवी का नाम दरअसल सेम नेम की मूवी डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक पर आधारित है, जो इंटर्न फेमस नॉवेल ट्राउनवेले यानी कि ड्रीम स्टोरी बाय आर्थर स्किजनल से इंस्पायर्ड है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी शुरू होती है रिच और मैरिड कपल बिल और एलिस से, जो तैयार होकर एक वेल्दी लॉयर मिस्टर जाइगलर और उसकी वाइफ एलोना क्रिसमस की पार्टी अटेंड करते हैं। उसी दौरान एलिस के साथ एक चार्मिंग वेल्दी बिजनेसमैन सैंडर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ कुछ मॉडल्स बिल से फ्लर्ट करते हैं और दोनों भी एक तरह से फ्लर्टनेस को एंजॉय करते हैं। पर बिल के मोमेंट के दौरान उसे मिस्टर जाइगलर का अर्जेंट बुलावा आता है, क्योंकि एक एस्कॉर्ट मैंडी के साथ प्राइवेट मोमेंट के दौरान वो बेहोश हो गई। बिल अपने डॉक्टर स्किल से मैंडी को रिकवर करने में मिस्टर जाइगलर की मदद करता है और इस बात को मिस्टर जाइगलर के निवेदन पर अपने बीच रखता है। वहीं एलिस सैंडर के मदहोश कर देने वाली चार्मिंग और डैशिंग फ्लर्टिंग से किसी तरह खुद को रोक लेती है और फिर दोनों घर लौट जाते हैं। उसी रात दोनों पैशनेट कोइटस करते हैं और अगले दिन उनकी लाइफ बैक टू यूजुअल हो जाती है, जहां बिल अपने जॉब में और एलिस अपने हाउसवाइफ लाइफ में बिजी हो जाती है। सेम नाइट दोनों ड्रग का संयन करने के बाद एलिस बिल को बातों बातों में पूछती है कि आखिर वो उस दिन उन मॉडल्स के साथ क्या कर रहा था। बिल जाहिर तौर पर झूठ बोलता है, वो उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। अब बिल भी एलिस से पूछता है कि वो किसके साथ डांस कर रहा था, जिसका जवाब एलिस स्ट्रेट कहती कि वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता था। जिस पर फिर बिल मजाक करता है कि ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है और वही मर्द ऐसे ही होते हैं। अब एलिस इस जवाब को गलत तरीके से ले लेती है कि अगर मर्द ऐसे ही होते हैं तो क्या उसने भी वही सोचा था उन मॉडल्स के लिए। पर बिल समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो शादीशुदा है। लेकिन एलिस को फिर से बिल के जवाब पर गुस्सा आ जाता है कि उसने सिर्फ इसलिए उन मॉडल्स के साथ रात नहीं बिताई क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मैरिड है, ना कि वो खुद से नहीं चाहता था। यानी कि वो मैरिड नहीं होता तो जरूर करता, फिर उसमें और दूसरों में क्या फर्क है। बिल अपने सफाई में अंत में ये क्लेम करता है कि लड़कों और लड़के के लिए ये अलग बात है, क्योंकि लड़कों को जहां मौका मिले वो अपना चांस नहीं गवाते, वहीं लड़कियां सच्चे प्यार के तलाश में होती है, ना कि कोइटस के पीछे। और यही कारण है कि वो उस पर एज अ वाइफ इतना भरोसा करता है। पर फिर एलिस उसके विश्वास की बात पर हंसते हुए उसे जेलस करने के लिए एक बात कन्फेस करती है कि उनके फैमिली वेकेशन के दौरान वहां पर देखे एक हैंडसम स्ट्रेंजर के पीछे वो इतनी कायल हो गई थी कि वो बिल के साथ इंटीमेट मोमेंट के दौरान भी उसे ही इमेजिन करती थी। वो उसके पीछे इतनी पागल हो गई थी कि वो थोड़ी देर के लिए उनका शादीशुदा लाइफ भी छोड़ने को तैयार थी। जब उसे पता चला कि वो स्ट्रेंजर रिसोर्ट छोड़कर चला गया, तब उसे एक तरह से रिलीफ भी महसूस हुआ कि उसने दूसरे के साथ रात बिताने से बच गई, जो वो जरूर करती अगर वो रह जाता। एलिस की ये ट्रांसपेरेंसी जानने के बाद वो एकदम से परेशान और शॉक में चला जाता है। और इससे पहले कि एलिस कुछ और कहे, उसे उसके एक पेशेंट का अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल पड़ता है। पर बिल अब भी शॉक में होता है और एलिस का उस स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट मोमेंट का इमेजिनेशन उसे हॉन्ट करने लगता है। बिल पेशेंट के घर पहुंचता है, जहां पेशेंट की बेटी मैरियन उसे बुरा खबर देती कि उसके पिताजी नहीं रहे। उसे अपना कंडोलेंस ऑफर करता है, पर बातों के दौरान मेरियन कन्फेशन करती कि वो उसे बहुत पसंद करती है। पर बिल उसे मना कर देता है क्योंकि शायद से वो ये सब सदमे में कह रही है। पर बिल अब भी एलिस के कन्फेशन में उलझा होता है कि वो ऐसे कैसे सोच सकती है, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे उसके बाउंड्रीज पता है। अब बिल का सोच डगमगाने लगता है और जब एक प्रोस्टिट्यूट उसे अपना सर्विस ऑफर करती है तो काफी सोच के बाद वो उसके साथ चला जाता है। पर दोनों जस्ट किस ही करते कि उसे एलिस का कॉल आ जाता है और वो उसे झूठ बताता है कि वो अब भी अपने पेशेंट के साथ है और उसे देर होगी। अब बिल को पछतावा होने लगता है, इसलिए बिना कुछ किए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त निक से होती है, जिससे बातों के दौरान उसे एक सीक्रेट लेट नाइट कोइटस पार्टी के बारे में पता चलता है। वो पार्टी इतनी सीक्रेट है कि एंट्री के लिए सीक्रेट पासवर्ड के अलावा कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है। बिल को किसी तरह वो पासवर्ड समझ आ जाता है और आखिर में निक को उस पार्टी के डिटेल शेयर करने के लिए मना लेता है। सफर के दौरान अब भी एलिस का कन्फेशन उसे हॉन्ट कर रहा होता है। पार्टी के लोकेशन की तलाश में टैक्सी से बिल किसी तरह दूर अनजान मेंशन जा पहुंचता है। कॉस्ट्यूम और पासवर्ड की मदद से उसे एंट्री मिल जाती है, जहाँ का दृश्य देखते ही वो भौचक्का हो जाता है, क्योंकि हॉल के बीच उसका दोस्त ब्लाइंड फोल्डेड पियानो प्ले कर रहा होता है। वहीं सर्कल में 13 महिलाएं ब्लैक रोब में मास्क, उन पर एक रेड रोब में मास्क इंसान किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है और वो पूरा नजारा डरावना किसी तरह के काले विधि जैसा दिखाई देता है। फिर वो सभी महिलाएं उसके इशारे पर अपना रोब उतार कर हाफ नेकेड हो जाते हैं। रस्म के आखिरी में एक एक करके महिलाएं भीड़ में से किसी एक को अपने साथ कोइटस करने के लिए ले जाते हैं। उस ग्रुप में से एक महिला बिल को चुनती है, पर वो बिल को वहां से जाने की विनती करती है क्योंकि यहां उसकी जान खतरे में है। पर बिल नहीं समझता कि वो कौन और उसे कैसे जानती है।
बिल जिज्ञासा में उसका पीछा करता है और उसके इर्द गिर्द हो रहे नजारे को देखकर वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग या तो कोइटस कर रहे होते हैं या उसे घूर रहे होते हैं। फिर तभी बिल की सच्चाई ग्रुप के लीडर को पता चल जाती है और फिर उसे लोगों के बीच हाजिर करवाते हैं। मूवी का ये सीन ऐसे दिखाया जैसे बिल को किसी पनिशमेंट के लिए पेश किया गया हो। सभी को मास्क में देखने से एक डरावना सा माहौल बन जाता है। ग्रुप का लीडर उसकी पहचान चेक करने के लिए उससे दूसरा पासवर्ड पूछता है जो बिल को नहीं पता होता, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे उसका मास्क उतारने के अलावा उसे नेकेड होने की धमकी देते हैं। पर तभी वही बंदी इंटरवीन करती है और बिल के बजाय उसे पनिश करने का मांग करती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रुप का लीडर बंदी की बात मानकर बिल को इसके बारे में किसी को ना बताने की वार्निंग देकर छोड़ देता है, वरना उसके साथ उसके परिवार की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर आखिर में कोई क्रू में मास उस बंदी को ले जाता है। अब बिल नए उलझन में पड़ जाता है कि आखिर उसने क्या विटनेस किया, और उसे उस बंदी के लिए चिंता होने लगती है। फिर एलिस नाइटमेयर से उठ जाती है और गिल्ट में अपना ड्रीम बिल से शेयर करती है, जहां उसके ड्रीम के अनुसार वो किसी ऐसी जगह थी जहां वो कई लोगों के साथ कोइटस कर रही थी सिर्फ बिल को जेलस करने के लिए। जब वो कोइटस दूसरों के साथ कर रही होती है, एट द सेम टाइम उसे बिल के लिए और भी क्लोजनेस और लव महसूस होता है। पर एलिस की फिर से इतनी ट्रांसपेरेंसी से बिल और भी शॉक में चला जाता है। अगली सुबह उस बंदी की चिंता में बिल निक से मिलने उसके होटल जाता है, पर उसे पता चलता है कि निक ने पहले ही चेकआउट कर लिया और उसके चेहरे पर कई घाव के अलावा दो तगड़े लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। आगे फिर वो और पता करने के लिए उसी पार्टी के मेंशन जाता है, जहां ताक झाक करने पर एक आदमी उसके नाम पर मार्क एनवेलप में वार्निंग संदेश दे जाता है। बिल घबरा जाता है क्योंकि ऑल्दो उसने अपना चेहरा दिखाया, उसने अपना नाम कभी नहीं रिवील किया था, तो उन्हें कैसे पता चला। बिल रिटर्न घर जाता है, पर यहां भी उसका ध्यान पिछली रात की घटना और एलिस के कन्फेशन से नहीं हटती, इसलिए बहाना करके अपना ऑफिस चला जाता है। एक तरह से बिल का दिमाग अब भी घूमता रहता है कि क्या उसे अब भी अफेयर करना चाहिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए गुस्से में अफेयर के वन नाइट स्टैंड के इरादे से वो मैरियन को कॉल कर बैठता है, पर लकीली उसका फियांसे फोन उठाता है, इसलिए बिल फिर हैंग अप कर देता है। बिल फिर उसी प्रोस्टिट्यूट डोमिनो के घर जाता है, पर वो भी अवेलेबल नहीं होती और बिल उसके फ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि डोमिनो ने ये जगह छोड़ दिया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव पाई गई, तो बिल घबराकर अपने कदम पीछे ले लेता है, यानी कि अगर उसने उसके साथ कोइटस किया होता तो आज वो भी HIV से इन्फेक्ट हो जाता। अब गहरी सोच में बिल नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो कैसे तो उससे पीछा छुड़ा लेता है और फिर एक न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन अमेंडा ड्रग के ओवरडोज से अपने होटल में मरी मिली। बिल को इस न्यूज पर शक होता है, इसलिए उसकी लाश की पहचान करने पर और उसकी आंखें गौर से देखने के बाद उसे याद आता है कि ये वही मैंडी है जिसकी उसने मिस्टर जाइगलर के पार्टी के दौरान जान बचाई थी, और ये वही मास्क वुमन है जिसने उसे उस कोइटस पार्टी में वार्न किया था। बिल को अब डर लगने लगता है कि शायद से उसकी जान उसके वजह से गई। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे मिस्टर जाइगलर का कॉल आता है उससे सीक्रेटली मिलने के लिए, जहां वो फाइनली बिल को रिवील करता है कि वो जानता है कि वो कौन से पार्टी में गया था, क्योंकि वो भी उस पार्टी में मौजूद था, और उसे अपने इन्वेस्टिगेशन को बंद करने की निवेदन करता है। वो सब कन्फेस करता है कि पार्टी में कोइटस और वॉयरिज्म के अलावा और कुछ नहीं हुआ। पार्टी को अटेंड करने वाले बहुत ही बड़े ओहदे के लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनका नाम लीक हो, इसलिए उसे सिर्फ डराने के लिए फेक धमकी भरा लेटर और उस पर नजर रखा गया। उस पर लोगों को इसलिए शक हुआ क्योंकि वो एक साधारण से टैक्सी में आया था और उसका नाम उन्हें उसके कोट से मिले कॉस्ट्यूम शॉप के रिसीप से पता चला। वो दूसरा पासवर्ड भी एक तरह से झूठा खेल था उसकी चोरी को पकड़ने के लिए। निक की वजह से उसे उस पार्टी का पता चला और इसके पहले कि और भी उनका नाम रिवील हो, उन्होंने उसे उसके घर पर एस्कॉर्ट कर दिया। मैंडी की भी किसी ने हत्या नहीं की, वो एक स्ट्रीट वॉकर थी जिसकी मौत एक्सीडेंटली ओवरडोज के वजह से हुई। पार्टी के दौरान मैंडी के साथ खेला गया रिचुअल भी उसे डराने के लिए एक ड्रामा था, पर बिल मिस्टर जाइगलन के बयान पर भरोसा करने से कतराता है। वहीं वो कर भी कुछ नहीं सकता क्योंकि उनकी पहुंच उससे कहीं ऊपर है जो उसका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतना सब कम नहीं था कि घर लौटने पर उसे वही मास्क एलिस के बगल में दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गिल्ट के मारे फूट पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बार एलिस अपने उस सपने के बाद गिल्ट फील करने लगती है। और यहाँ फाइनली बिल एलिस से अपना कन्फेशन करता है। अब दोनों भी पूरी तरह से टूट जाते हैं अपने कंफ्यूज रिलेशन के लिए। मूड डाइवर्ट करने के लिए दोनों क्रिसमस गिफ्ट्स के शॉपिंग के लिए जाते हैं। उसी समय बिल के पूछने पर कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर बहुत सोचने के बाद एलिस बताती है कि उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि दोनों भी अपने एक्सपीरियंस से बचकर निकले और अब उन्हें अपने रिलेशन को एक और मौका देना चाहिए। शुरुआत के सॉल्यूशन में उन्हें जितना हो सके कोइटस में इंडल्ज होना चाहिए, और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
ओके, ये तो इस मूवी की कहानी थी, पर भाई मूवी बताना क्या चाहता है। पहले शुरुआत करते हैं मूवी के नाम से। मूवी के नाम का मीनिंग ये है कि कैसे कुछ लोग किसी चीज को देखने के बावजूद उसे मानने से इनकार करते हैं, जस्ट बिकॉज वो उनके विचार से मैच नहीं करता। जैसे कैसे कुछ मेल्स ये मानने को तैयार नहीं होते कि फीमेल्स भी उनकी तरह दूसरों के साथ कोइटस फैंटेसीज कर सकती है, क्योंकि उनमें भी कोइटस की नीड होती है। मूवी की शुरुआत में जब एलिस को नेकेड दिखाया है, वो दरअसल ये दर्शाया कि कैसे एक अनजान के लिए एलिस को नेकेड देखना एक एरोटिक मोमेंट है, वहीं उसके पति के लिए ये एक ऑर्डिनरी है। इसलिए एक तरह से बिल की आंखें व्हाइट शर्ट है, जिसे मूवी के शुरुआत में दर्शाया है जब एलिस बिल से उसके लुक्स पर ओपिनियन मांगती है, पर बिल उसकी ब्यूटी को बिना देखे ही जवाब देता है। जब वो पार्टी जाते हैं, दोनों भी बहाना करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एलिस ड्रिंक और दूसरों से फ्लर्ट एंजॉय करने चली जाती है, वहीं बिल भी कुछ ऐसा ही करता है, पर किसी तरह उस समय खुद को आगे बढ़ने से दोनों रोक लेते हैं। जब दोनों घर लौटकर क्वार्टर्स करते हैं, तब बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा होता है, दे डिड बैड थिंग, जो कि ये इशारा करता है कि कैसे दोनों ने चाहे कुछ ही समय के लिए पर एक दूसरे से अनफेथफुल होने का सोचा। अपने अर्ज को दबाने के लिए दोनों उसी रात पैशनेट क्वार्टर्स उन्हीं स्ट्रेंजर्स के साथ इमेजिन करने लगते हैं, जिसका इशारा हमें एलिस के स्पेक्स को उतारने से समझ आता है, जहां अब वो थोड़ी देर के लिए ही सही पर जिसे चाहे उसे इमेजिन कर सकती है, और फिर अगली सुबह उनकी लाइफ फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाती है। मूवी का अगला इम्पोर्टेंट शॉट तब है जब एलिस की लाइफ बैक टू हाउसवाइफ, वहीं बिल किस तरह प्रोफेशनलिज्म से अपने पेशेंट को अटेंड करता है बिना किसी बैड इरादे से, और फिर उसी रात एलिस डिसाइड करती उस झूठ को बकवादी साबित करने की जिस पर सफल शादी डिपेंड करता है। जब दोनों भी पार्टी के दौरान कुछ गलत करने से खुद को रोक लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों भी मैरिड हैं, ना कि उन्हें दिल से ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ने रियलिटी में एक दूसरे के साथ लॉयलिटी का मीनिंग अब भी नहीं समझा, इसी कारण वो बिल को अपनी बात समझाने के लिए अपनी इमेजिनेशन शेयर करती है। पार्टी में मास्क पहने लोग कोइटस करते हुए ये कनेक्शन दर्शाया है कि कैसे लोग छिप कर रहते हैं अपने अर्ज को पूरा करने के लिए। वहीं ये एक्ट जोखिम से भरा होता है, क्योंकि जब हम अपने ईवल साइड को अपने पर हावी होने देते हैं, तब हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे पार्टी के दौरान बिल पकड़ा जाता है और जब वो नियली एचआईवी इन्फेक्शन से अफेक्ट हो सकता था, वहीं अगर एलिस ने उस स्ट्रेंजर के साथ कुछ कर बैठती तो उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। वहीं जब भी हम अपने अर्ज को कंट्रोल रखने में सफल होते हैं, तब हमें सुकून महसूस होता है। जैसे एलिस बताती है कि वो एक तरह से राहत महसूस करती है जब वो स्ट्रेंजर चला गया, वहीं जब बिल डोमिनो के साथ आगे बढ़ने से रुक जाता है। मूवी में दो कपल्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर किया है कि कैसे आपके शादीशुदा लाइफ में कोइटस विदाउट इंटीमेसी बासी सा लगता है, जिससे धीरे धीरे आपके कपल लाइफ में बोर्डम सी बनने लगती है और फिर दूसरों के साथ लस्ट पैदा होने लगता है। वहीं मूवी के एक सीन में जब एलिस अपने ड्रीम को शेयर करके बताती है कि उसे और भी बिल के लिए ये नजदीकी महसूस हुआ जब उसने दूसरों के साथ कोइटस इमेजिन किया, डायरेक्टर ये भी पॉसिबिलिटी समझाने की कोशिश करता है कि शायद से थोड़ा बहुत कभी कभी दूसरों के साथ इंटीमेट मोमेंट इमेजिन करना सफल शादीशुदा जिंदगी के लिए सही साबित हो सकता है। मैंडी जब खुद को बिल के लिए सैक्रिफाइस होने का प्रॉमिस देती है, वो ये इशारा करता है कि जब आप एक बार बेवफाई करते हो, तब आप उसे अंडन नहीं कर सकते। मूवी में कई जगह रेनबो का रेफरेंस दिया है। आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि बिल अपने डिजायर के खोज में होता है, जहां तक वो कभी नहीं पहुंच पाता, जैसे रेनबो के एंड तक कोई नहीं पहुंच पाता। अब मूवी में जो पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी दिखाया है, दरअसल इन्हें इल्यूमिनाटिस की तरफ इशारा किया गया है, जो कि मूवी के कुछ सीन से इनसे रिलेट किया जा सकता है। ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं, ये समझने के लिए आप मूवी के दो सीन्स को रिलेट कर सकते हो, जहां मिस्टर जाइगलर, जिसे आप इल्यूमिनाटी का मेंबर मान सकते हो, जो अपने पावर की मदद से एक यंग लड़की का फायदा उठाता है, वहीं बिल से उसका किया साफ करवाता है। मिस्टर जाइगलर ही शायद से उस ग्रुप का लीडर है, क्योंकि जिस तरह से वो चीजों को टैप करता है, रिचुअल के सीन से काफी समानता है। अब आप समझ सकते हो कि मूवी क्यों इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल रही। मूवी जरूर स्लो, लंबी और नॉट सो इंटरेस्टिंग लगती है, बट इसका मैसेज बहुत ही पावरफुल है, खास करके निकोल किडमैन की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब रही। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फीडबैक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही ये मेरी वीडियो चल पाएगी। और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।